खेती बाड़ी से लेकर लोक कला, शिक्षा, चिकित्सा और विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में अपने कार्यों के जरिए अनोखी छाप छोड़ने वाले कुल 132 हस्तियों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें कई ऐसे गुमनाम नायक भी हैं जो दूर दराज इलाकों में रहकर वर्षों से अपना काम करते रहे, और जब इन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई तो लोग हैरान रह गए। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गुमनाम किसानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है। इन किसानों को भी इस वर्ष पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सत्यनारायण बेलेरी। यह कासरगोड स्थित नेटानिगे गांव के रहने वाले हैं। वे गांव में धान की खेती करते हैं। सत्यनारायण के इलाके में लोग उन्हें सीडिंग सत्या के नाम से भी जानते हैं। धान की पारंपरिक किस्मों को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने एक बीज बैंक बनाया है। बीजों के इस बैंक में 650 से अधिक पारंपरिक धान की किस्मों को प्रिजर्व किया गया है। इस सूची में दूसरा नाम है अंडमान की 67 वर्षीय किसान कमाची चेला मलका, जिन्हें लोग नारियल अम्मा के नाम से भी जानते हैं। उन्हें जैविक विधि से नारियल की खेती करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। वे नारियल के अलावा लौंग, अदरक, अनानास और केले की भी खेती करती हैं। उनके काम से प्रभावित होकर 150 से अधिक किसानों ने खेती करने की उनकी पद्धति को अपनाया है। अगला नाम है असम के सरबरेश्वर बसुमतारी का। दिहाड़ी मजदूर से किसान बने सरबरेश्वर मिश्रित एवं एकीकृत खेती करते हैं। खेती में वह आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ साथ इनोवेटिव हॉर्टिकल्चर से जुड़े प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने खेती के लिए ऐसे तरीके खोजे जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिली है। अब वो दूसरे युवाओं को किसान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। औपचारिक शिक्षा नहीं होने के बावजूद वे कृषि समुदाय के लिए एक आदर्श बन गए हैं। सूची में चौथा नाम पश्चिम बंगाल के रहने वाले दुखू मांझी का है, जिन्हें लोग गाच दादू के नाम से जानते हैं। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर जंगल खड़ा करने वाले 78 साल के गाच दादू को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। गाच दादू ने 5 दशकों तक पर्यावरण की सेवा की है और 5000 से ज्यादा बरगद, आम और जामुन के पौधे लगाए हैं। इन्होंने 12 साल की उम्र से ही वृक्षारोपण का कार्य शुरू कर दिया था। इस सूची में पांचवा नाम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग के एक हर्बल चिकित्सा विशेषज्ञ यानुंग जमो लेगो का है। उन्होंने 10,000 से अधिक लोगों को हर्बल चिकित्सा प्रदान की है और 1,00,000 से अधिक लोगों को औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया है। पारंपरिक ज्ञान आधारित उनके इस योगदान को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उन्होंने प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक औषधीय पेड़ भी लगाए हैं। इसके अलावा यानुंग जामो ने जिले के हर घर में किचन गार्डन की स्थापना को बढ़ावा भी दिया है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ।